सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। बाकी गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देन आपको ऐड फोटो में जाकर यहाँ से आपको अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस आप जैसे यहाँ पे मॉडल को ऐड करोगे गाइस आपको जिस टाइप से आपको अपने मॉडल को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अभी डन नहीं करना, आपको अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट बना के साइड में रख लेना है पहले। देन आपको दूसरा वाला जो मॉडल आपको इरेजर टूल में ले जाकर आपको उसकी ओपेसिटी हार्डनेस कम करनी है इरेजर की, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपको इसे रिमूव करना है, ठीक है। पहले इरेजर सेलेक्ट करना, देन ऐसे रिमूव करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपको अपना दूसरा वाला मॉडल लेना है एंड आपको उसको जो सेम साइज में रखना है। एंड उसके बाद आपको चले जाना इफेक्ट वाला ऑप्शन में, आपको वहाँ पे जाना ब्लैक एंड व्हाइट में, उसको अमाउंट जीरो करके मर्ज कर देना। एंड देन नेगेटिव वाला में जाकर आपको वहाँ पे कलराइज में जाके आपको जो यहाँ पे गाइस ऑरेंज कलर का यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट में जाकर आपको ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइड साइड में जैसे रिमलाइट क्रिएट करनी है। सो गाइस यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि गाइस मैंने जो है अगर इसके मैं कंप्लीट वीडियो अगर आपको दिखाऊंगा तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख के जो आप सीख सकते हो कि आपको कैसे रिमलाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो बाकी हमारे इतना काम हो चुका था, हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे एंड इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। एंड ऐड कर देने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है अब इसको मूव डाउन करते हैं। एंड जो हमारा मॉडल का जो ये नीचे से जो है ज़्यादा ही रेज हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट है। अब यहाँ पे गाइस क्या करना है, आप सभी को आपको जो यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से जो गाइस आप सभी को ट्रीडेंट का पीएनजी लेना है गाइस, ठीक है इसका। एंड ट्रीडेंट का पीएनजी जो गाइस आपको लेना है, इसको जिस टाइप से पहले ऐड करना है, ठीक है। एंड बाकी इसका डुप्लीकेट करके जो आपको आगे का पार्ट भी ऐड कर लेना है, तो पहले हम इसको इतना ऐड कर लेते हैं। देन डुप्लीकेट करके जो है हम अभी डुप्लीकेट कर लेते हैं इसका एंड साइड में रख लेते हैं, ताकि जो बाद में रेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको रिमूव कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है, सभी परफेक्ट है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे गाइस दूसरा वाला जो ट्रीडेंट है, हम इसका जो नीचे का पार्ट जो हम कुछ इस टाइप से ऐसे मर्ज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम रिजल्ट में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे एंड ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद हमें जहाँ जहाँ का पार्ट चाहिए वहाँ पर इस तरीके से पेंट कर लेंगे, परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे इतना काम हो चुका है हमारा, अब इसको हम कर लेते हैं डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब जाएंगे गाइस यहाँ से अगेन ऐड फोटो में एंड यहाँ से ऐड करेंगे एक लाइट का पीएनजी। एंड उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड ऐड रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरीके से रखेंगे। एंड इसका अमाउंट जो है हम हल्का सा रखेंगे, ठीक, कम रखेंगे, मतलब ओपेसिटी जो है कम रखेंगे। फिर जो हम इसके डुप्लीकेट करके हम इस साइड में भी लगा देंगे, नीचे की साइड में, यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम इसका अमाउंट कम कर लेते हैं, इतना परफेक्ट है। अब कर लेते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है। इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम मैप में। लाइट में हमने गाइस हमने फोटो ऐड कर लिया, अब जाएंगे हम लाइट वाला ऑप्शन में। पहले हम इसकी क्लियरिटी और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड जो यहाँ पे ब्लैक्स इसको कम कर देंगे एंड व्हाइट को बढ़ा देंगे। फिर चलेंगे कलर्स में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे एंड मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद हम ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे एंड येलो कलर लेंगे, इसका ह्यू माइनस कर देंगे एंड डार्क ब्लू लेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड कर देंगे डन। फिर उसके बाद चलेंगे नीचे वाला टूल में, यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे, फोटो में विकनेट डाल देंगे फोटो अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम फीदर को इंक्रीज कर देंगे एंड जाएंगे नीचे वाला टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड नोटोक्शन बढ़ा देंगे एंड फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो बाकी मैं मिलता हूँ उस किसी ने वीडियो में, तब तो